आश्चर्य है, यहाँ लाकर आपने मेरे गौर वर्ण को श्याम वर्ण में बदल दिया। वह कर सकते थे आप, यह क्यों नहीं कर सकते? गोरे को श्याम में बदलेंगे आप और श्याम को गोरा करूं मैं? क्यों क्यों करूं मैं, कैसे करूं? आप मेरे स्वामी हैं, मेरी सहायता करना आपका धर्म है। आप अपने धर्म से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या हुआ है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे तन के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी काली हो गई है। तुम यदि हट करना जानती हो तो हम भी हट योगी हैं। अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वही करो जो तुम्हारे मन में आए। गिरिजा, गिरिजा, माँ आदिशक्ति, गिरिजा, क्या इस प्रकार रोना सुबकना तुम्हें शोभा देता है? तुम शक्ति का अवतार हो, एकमात्र दृष्टि विक्षेप से तुम इस जगत में प्रलय मचा सकती हो, फिर अचानक तुम इतनी अबला कैसे हो गई? अपने पति द्वारा किया गया यह घोर अपमान मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अब तुम्हारा अपमान ना हो ऐसा उपाय करो। क्या है वो उपाय? जहाँ अपमान होता है वहाँ तो स्वाभिमानी को एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। तुरंत चली जाओ यहाँ से। पर स्वामी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे। क्या उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना उचित होगा? भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, उन्हें तुम्हारी हृदय की व्यथा का पता है, इसीलिए आज्ञा की चिंता किए बिना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत इस मंदराचल का त्याग कर दो। माँ भुवनेश्वरी की आज्ञा अनुसार मैं मंदराचल का त्याग कर दूंगी। सहज समझकर उनका अनुसरण कर लेते हैं, किंतु दुष्ट वृत्ति के प्राणी इन नियमों को भंग करते हैं। ऐसे ही प्राणियों के लिए मैं साक्षात संहार हूं। मैं ओंकार हूं। मंदराचल की पीड़ा देखकर नारद द्रवित होते हैं और उसे शिव आराधना की मंत्रणा देते हैं। उधर शुंभ निशुंभ को कठोर तपस्या करते देख इंद्र चिंतित होते हैं व विष्णु लोक पहुंचते हैं। मंदराचल की गुहार सुनकर पार्वती शिव से उसकी पीड़ा हरने की प्रार्थना करती है। देवगण अपनी शक्तियों का विफल प्रयोग शुंभ निशुंभ पर करते हैं। ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? क्या आवश्यकता थी इसकी? यदि विष का प्रभाव पड़ना ही था तो उनके तन पर क्यों नहीं पड़ा? विष ने केवल मेरे ही तन को प्रभावित क्यों किया? क्या भोलेनाथ मुझे यहाँ अपमानित करने के लिए लाए थे? अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? पार्वती,
तुम ये क्या सोचने लगी? वही जिसे सोचने के लिए आपने मुझे बाध्य किया है। नहीं, मैंने तुम्हें बाध्य नहीं किया। ये सोच तो तुम्हारे नारी सुलभ क्षोभ का परिणाम है। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो। तुम्हारे इस रूप परिवर्तन के पीछे भी शिव शक्ति का कोई विशेष उद्देश्य ही है। और फिर इस सत्य को भी तो समझो कि तुम्हारे इस रूप परिवर्तन से तुम्हारे तेज और सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। इसलिए तुम व्यर्थ ही अपने मन को दुखी न करो देवी। इधर देखो देवी, हमारी ओर तुम्हारा क्रोध अकारण है। देवी, स्थिति को समझने का प्रयास करो। कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारे मौन में शांति नहीं, असंतोष है। और असंतोष मन को कलुषित करता है, इसलिए आवश्यक है कि तुम कुछ बोलो। जैसी तुम्हारी इच्छा। माता पार्वती का मन असंतुष्ट था, किंतु उनका ये श्याम वर्ण रूप एक नए घटना चक्र का संकेत था। इस सत्य से वे अनभिज्ञ थी। दूसरी ओर जगत की समूची घटनाओं से अनभिज्ञ, पर दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ दैत्य पुत्र शुंभ तथा निशुंभ ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयासरत। ब्रह्मा जी के पास इस हाहाकार की ध्वनि पहुंची नहीं होगी? हे प्रभु, क्या गति होगी उन वन प्रदेश के प्राणियों की? इस भीषण ज्वाला से उनकी रक्षा करें। स्वामी, शुंभ निशुंभ की तपस्या उग्रतर होकर चरम सीमा पर पहुंच गई है। उनका तपोबल जागृत हो चुका है। उनके तप की ज्वाला से वन प्रदेश के प्राणी हाहाकार कर रहे हैं। पृथ्वीवासी, इन प्राणियों की रक्षा के लिए आपको शीघ्र ही वहां जाना होगा। हाँ देवी, जो कुछ तुमने कहा है हम उन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। आपको सब ज्ञान है, फिर भी आप मौन हैं, गतिमान नहीं हो रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं। हाँ देवी सरस्वती, हम अब तक उनकी तपस्या की उपेक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं कि शुंभ निशुंभ अपने पूर्वज राक्षसों से अधिक बलवान और अधिक बलवान सिद्ध होंगे। देवताओं ने भी तो भूल कर डाली है। कैसी भूल स्वामी? हमारे द्वारा दिए गए परामर्श की अवहेलना करके देवताओं ने जो तपस्यारत राक्षसों पर शक्ति प्रयोग किया है, उसका वे भीषण प्रतिशोध लेंगे। अब उनके अत्याचारों से उत्पन्न हाहाकार और अधिक भयावह होगा। बस इसी के उपाय के लिए मैं चिंता में डूबा हूँ देवी। आप चिंता में डूबे रहेंगे तो पृथ्वीवासियों को अकारणी कष्ट भोगने पड़ेंगे। नहीं देवी, हमें पृथ्वीवासियों की उनके कष्टों से रक्षा करनी ही होगी।
इस समय तो शुंभ निशुंभ को मनचाहा वरदान देकर हमें उनकी तप की ज्वाला को शांत करना होगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम निशुम ब्रह्मणे। शुम निशुम, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तपस्वियों, हम ब्रह्मदेव तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हम तुम्हें वरदान देने आए हैं शुम निशुम। आप हमारे वरदाता नहीं, हमारे शत्रु हैं ब्रह्मदेव। आपने तपस्या में हमें इतना कष्ट क्यों दिया? हमारे साथ ये पक्षपात क्यों? हम जानते हैं आप देवताओं के परम पिता हैं। आपने ही देवताओं को हम पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया ताकि हम तप से डिग जाएं और आपको वरदान न देना पड़े। ये तुम दोनों का भ्रम है। हमारे विधान में पक्ष विपक्ष अथवा पक्षपात जैसा कुछ नहीं होता। ये सब पृथ्वीवासी मानव दानव में होता है। तो फिर प्रकट होने में इतना विलंब क्यों किया ब्रह्मदेव? हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कैसी परीक्षा? तप करने वाले अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं अथवा नहीं? हो गई परीक्षा। परीक्षा अवश्य हो गई, किंतु तुम दोनों क्रोध की ज्वाला को न बढ़ाओ। अब हमें वरदान दो ब्रह्मदेव। वरदान देने से क्रोध की ज्वाला अपने आप शांत हो जाएगी ब्रह्मदेव। हम तुम्हें वरदान देने का वचन देते हैं। शुम निशुम, कहो क्या वरदान चाहते हो? शक्ति का वरदान चाहिए। हमें चाहिए ऐसी शक्ति जो देव दानव मानव किसी के पास ना हो। हमें चाहिए ऐसा अधिकार जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। हम चाहते हैं अमरता का वरदान ताकि कोई हमें मार ना सके। आप हमें ऐसी संहारक शक्ति प्रदान करें जिससे स्वर्ग में रहने वाले अमर देवता भी हमारे हाथों मारे जाएं। मौन क्यों हो गए ब्रह्मदेव? तुम दोनों ने एक साथ इतने सारे वरदान मांग लिए हैं जिनका देना हमारे लिए संभव है ही नहीं। हम तुम्हें केवल एक वरदान देने के लिए यहाँ आए हैं और एक ही वरदान दे सकते हैं। इसलिए तुम दोनों एक साथ विचार करके कोई एक वरदान मांग सकते हो। नहीं, हमें सभी वरदान एक साथ चाहिए ब्रह्मदेव। और जब तक हमें ये वरदान नहीं मिलेंगे हमारी इच्छाएं अधूरी रहेंगी। शुम निशुम, हम तुम्हें अपार शक्ति का वरदान दे सकते हैं, परंतु अमरता का वरदान देना हमारे वश में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है। हाँ, एक उपाय है। शीघ्र कहें वो उपाय ब्रह्मदेव। तुम अपने मरण को कठिन बनाने के लिए मारने वाले का चुनाव कर सकते हो। अपने मारने वाले का चुनाव हम करें? हमें मारने वाले को हम नहीं मार डालेंगे। तुम दोनों बुद्धि का उपयोग करो। यद्यपि हम जानते हैं कि असुरों के पास अधिक बुद्धि नहीं होती, फिर भी जितनी है उसका तो उपयोग करो। मरण तो निश्चित है क्योंकि तुम दोनों असुर हो, इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। अवश्य तुम किसी पुण्यात्मा शत्रु के द्वारा मारे जाओगे। मारे जाएंगे? तो फिर आपका वरदान क्या करेगा ब्रह्मदेव? इतना कठोर तप क्या हमने मारे जाने के लिए किया है? एक बार फिर समझ लो कि हम तुम्हें यहां वरदान देने के लिए ही उपस्थित हुए हैं, और ये भी
कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम अपने किसी ऐसे मारने वाले का चुनाव कर लो जिसका अस्तित्व ही असंभव हो, जिसका अस्तित्व ही असंभव हो। रामदेव, आपने तो फिर वही बात कह डाली जो हमारी बुद्धि से परे है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करें ब्रह्मदेव। तो सुनो, तुम ये वर भी मांग सकते हो कि तुम्हारा मरण किसी पुरुष के हाथ ना हो। हाँ, हमें यही वरदान चाहिए ब्रह्मदेव कि हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। पुरुष हमें मार सकेगा नहीं तो भला स्त्री हमें मारने का साहस कैसे करेगी? फिर तो हम मरेंगे ही नहीं। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार नहीं सकेगी, फिर तो हम अमर हो ही जाएंगे। हाँ, भली भांति सोच विचार कर लो, स्त्री की शक्ति भी कम नहीं होती। ब्रह्मदेव, हमें मारने वाली स्त्री ऐसी हो जिसने माँ के गर्भ से जन्म ना लिया हो, और वो स्त्री विवाहित ना हो, कुंवारी हो, और वो हमें तभी मार सके जब हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। फिर तो ऐसी किसी स्त्री का अस्तित्व ही नहीं होगा और ना हमारा मरण संभव होगा। हाँ हाँ ब्रह्मदेव, हमें ऐसा ही वरदान चाहिए। तथास्तु। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार सकेगी नहीं। स्त्री भी अयोनिजा, जो किसी माँ के पेट से उत्पन्न ना हो, वो भी कुंवारी, विवाहित नहीं। यूं कहो निशुम कि हम अजय हुए। हाँ भैया शुम, हम अमर हो गए। अब हम अपने वरदान का उपयोग करेंगे। अब हम तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अवश्य करेंगे। त्रिलोक विजय। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी। ब्रह्मदेव ने उन दोनों को वरदान दे ही दिया। आप स्वर्ग सुरक्षित नहीं है देवगण, आप स्वर्ग सुरक्षित नहीं है। देवराज, अब तो हमें अविलंब स्वर्ग पहुंचकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। वो तो हम करेंगे ही वरुण देव, किंतु चिंता का विषय ये है कि ये वरदान पाकर इन दुष्ट राक्षसों की शक्ति और अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करने पर भी क्या हम उसे सुरक्षित रख सकेंगे? नहीं वरुण देव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मनोबल दृढ़ हो तो सब कुछ सरल दिखाई देने लगता है, और जब मनोबल ही टूट गया हो तो सरल भी कठिन दिखाई देने लगता है। और दुर्बल मन वाले प्राणी संघर्ष करने से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किंतु देवर्षि, आप किंतु दुर्बलता का प्रतीक है देवराज। ये सत्य ना भूलें कि साहस सदा शक्ति के आगे आगे चलता है। साहस यदि प्राणी का साथ छोड़ दे तो फिर शक्ति भी वहां नहीं ठहरती। देवराज, साहस इन प्राणी शक्ति को प्रिय होता ही नहीं, फिर तो शक्ति भी प्राणी का साथ छोड़कर साहस के साथ दूर निकल जाती है। नारायण नारायण। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है देवर्षि, पर व्यावहारिक रूप में इनका क्या महत्व है? जो सजग और सचेत है उनके लिए निसंदेह इन बातों का महत्व है। अब यदि आपके लिए शक्ति और साहस के संबंधों का महत्व है ही नहीं, तो फिर यही माना जाएगा कि आप सजग और सचेत नहीं है। नारायण नारायण। देवर्षि, हम पहले से ही इतने अधिक पीड़ित हैं, आप अपने ये व्यंग बाण चलाकर हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं देवराज नहीं, नारद कभी किसी की पीड़ा नहीं बढ़ाता, और फिर नारद ही क्यों? कोई भी किसी को पीड़ित नहीं कर सकता जब तक प्राणी स्वयं पीड़ित होने के लिए तैयार ना हो। सत्य तो यही है देवराज कि प्राणी की दुर्बलता ही उसकी पीड़ा को पाल पोस कर उसका आकार प्रकार बढ़ाती है। वैसे मैं तो आपको केवल मार्गदर्शन और परामर्श देने का इच्छुक हूँ। हमें आपसे यही अपेक्षा थी देवर्षि, बताइए बताइए हमारे लिए क्या परामर्श है? इस समय मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आप साहस का साथ ना छोड़ें, और सहायता के लिए ब्रह्मा विष्णु के पास
भागे भागे न जाएं। देवर्षि परामर्श देकर चले गए, किंतु हमारी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। हे भोलेनाथ, समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो दुखी होकर अपने आप से देवाधिदेव ब्रह्मा का प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। पधारिय ब्रह्मदेव, मंदराचल में आपका स्वागत है। देवेश्वर, अब स्वागत नहीं, मार्गदर्शन करें। ऐसा लगता है कि शुंभ निशुंभ को इच्छित वरदान देकर भी आप प्रसन्न नहीं हैं। आप सत्य कह रहे हैं विश्वेश्वर, और ये सत्य भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। इन असुरों को वरदान देना हमारी विवशता थी। अब आप ही ऐसा कुछ चमत्कार करें विश्वेश्वर कि इन असुरों के मन में कभी तपस्या की भावना जागृत ही ना हो। ब्रह्मदेव, आप स्वयं जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है। जिस शरीर में प्राण है उसमें किसी भी प्रकार की भावना जागृत हो सकती है। उस प्राणी की प्रवृत्ति प्रकृति के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। वैसे भी प्रतिकूलता के अभाव में अनुकूलता का ना तो मूल्यांकन है ना महत्व। अर्थात स्पष्ट है ब्रह्मदेव, दुष्ट शक्तियों का उत्थान हुए बिना दैवी शक्तियों का उत्थान भी नहीं होता। वे उभरती हैं तभी दुष्ट शक्तियों का दमन होता है। जगत में व्याप्त समय की गति के अनुसार देवों दानवों और मानवों में संघर्ष अवश्यंभावी है। ब्रह्मदेव, अब तक आपने यहां आने का उद्देश्य प्रकट नहीं किया। महेश्वर, मैंने शुम निशुम को विवशतावश वरदान तो अवश्य दे दिया है, किंतु ऐसा करने से पूर्व मैंने उन्हें यथाशीघ्र समाप्त करने का उपाय भी निश्चित कर लिया था। तो अब मेरा कार्य आप करने लगे हैं। आप तो सृष्टि के निर्माण करता है। अपना कार्य तो आपको ही करना होगा देवेश्वर, मैंने तो आपके कार्य को तनिक सरल कर दिया है। यही स्पष्ट करने तो मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। आपका अभिप्राय है कि शुंभ निशुंभ की गति का उपाय आपने कर लिया है? हाँ महेश्वर, मंदराचल पर आने का उद्देश्य आपने देवी पार्वती का वर्ण बदलकर पूर्ण कर लिया है। अब शुंभ निशुंभ के अंत के लिए आपको उन्हें तपस्या करने को प्रेरित करना होगा। ब्रह्मदेव, देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के लिए हमें दोषी समझती है, इसलिए हमसे रूठ बैठी है। ऐसे में उन्हें तपस्या के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? अब तो यह कार्य और भी अधिक सरल हो गया है। आप अब यह कार्य कैसे करेंगे इसका निर्णय तो केवल आपको ही करना है। मैंने तो केवल आपको स्थिति से परिचित कराया है, अब आप मुझे आज्ञा दें। देवी पार्वती, देवी शिवा, इस प्रकार कब तक हमसे रूठी रहोगी? और रूठ कर तुमको मिलेगा क्या? स्वामी, मुझे मनाने का प्रयत्न व्यर्थ है। हमारा प्रयत्न व्यर्थ कब हुआ है? हुआ है कभी, वो कभी होगा भी नहीं। तुम केवल इतना बताओ कि तुम्हारा रोष कब और कैसे शांत होगा? मेरा रोष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप मुझे पहले के समान गौरवर्णीय नहीं बना देते। यह असंभव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं, अपने आराधक शुक्राचार्य को हजारों मृतक असुरों को जीवित करने वाली मृत संजीवनी विद्या प्रदान कर सकते हैं, और मेरा अपनी पत्नी का ये साधारण कार्य भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि ये केवल तुम्हारे प्रयत्न से ही सफल होगा, हमारी शक्ति अथवा कृपा से नहीं। आश्चर्य है, यहाँ लाकर आपने मेरे गौर वर्ण को श्याम वर्ण में बदल दिया। वह कर सकते थे आप, यह क्यों नहीं कर सकते? गोरे को श्याम में बदलेंगे आप और श्याम को गोरा करूं मैं? क्यों करूं मैं? कैसे करूं?
आप मेरे स्वामी हैं, मेरी सहायता करना आपका धर्म है। आप अपने धर्म से क्यों मुंह मोड़ना चाहते हैं? क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे तन के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी काली हो गई है। तुम यदि हट करना जानती हो तो हम भी हट योगी हैं। अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वही करो जो तुम्हारे मन में आए। गिरिजा, गिरिजा, माँ आदिशक्ति, गिरिजा, क्या इस प्रकार रोना सुबकना तुम्हें शोभा देता है? तुम शक्ति का अवतार हो, एकमात्र दृष्टि विक्षेप से तुम इस जगत में प्रलय मचा सकती हो, फिर अचानक तुम इतनी अबला कैसे हो गई? अपने पति द्वारा किया गया यह घोर अपमान मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? जो हो चुका है उसे भूल जाओ और अब तुम्हारा अपमान ना हो ऐसा उपाय करो। क्या है वो उपाय? जहाँ अपमान होता है वहाँ तो स्वाभिमानी को एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। तुरंत चली जाओ यहाँ से। पर स्वामी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं देंगे। क्या उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना उचित होगा? भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, उन्हें तुम्हारी हृदय की व्यथा का पता है, इसीलिए आज्ञा की चिंता किए बिना स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत इस मंदराचल का त्याग कर दो। माँ भुवनेश्वरी की आज्ञा अनुसार मैं मंदराचल का त्याग कर दूंगी। हाँ नंदी महाराज, हम अनिश्चित काल तक शिव पार्वती के लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जब वे दोनों मंदराचल में बस गए हैं तो हमें वहां जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। वहां चलकर उन्हें यहां आने के लिए मनाना चाहिए। मैं आप दोनों की प्रेरणा समझ रहा हूं, किंतु भगवान भोलेनाथ की आज्ञा बिना मैं कैलाश छोड़कर कैसे जा सकता हूं? नारायण नारायण। कल्याण भव, मैं भी यही सोचकर यहां आया था कि अब तक तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर आ गए होंगे, किंतु अब तो ऐसा लगता है कि उन्हें मंदराचल कैलाश से भी अधिक प्रिय लगने लगा है। नारायण नारायण। स्थिति यदि ऐसी है तो वहां जाकर ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन होंगे। हाँ देवर्षि, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अर्थात जया और मैं। मेरे साथ? नारायण नारायण। देवियों, आपका और मेरा साथ कैसे निभ पाएगा? क्यों, साथ निभने में क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? कष्ट? देवियों, मैं आकाश गामी और आप पृथ्वी गामिनी, क्या आप पैदल चलकर मंदराचल पहुंच पाएंगी? तो फिर हम क्या करें देवर्षि? यही कि मंदराचल जाने का विचार त्याग कर आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यहीं पर प्रतीक्षा करें। मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आपको शीघ्र दर्शन दें। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दें। स्वाभिमान आहत होने के पश्चात अब मैं आपकी सेवा में नहीं रह सकती। आंखें बंद किए हुए भी आप मेरे मन की व्यथा अवश्य समझ रहे होंगे, इसलिए यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना ही यहाँ से चली जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नारायण नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, बहुत समय से आपके और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए थे और मुझसे रहा नहीं गया सो चला आया आपके और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए। इस समय तो हम यहाँ पर मात्र अकेले हैं नारद। देवी पार्वती तो हमसे आज्ञा लिए बिना ही अभी अभी यहाँ से अदृश्य हो गई है। माता पार्वती आपकी आज्ञा लिए बिना यहाँ से चली गई? भोलेनाथ, यह असंभव, कैसे संभव हुआ? आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, इस जगत में असंभव कुछ भी नहीं होता। जो प्राणी के वश, सामर्थ्य, ज्ञान और अनुभव से परे होता है उसे वो असंभव मान लेता है। यहां तो वही हुआ है जो होना था। भोलेनाथ, वो गई कहां है? इस बात का ज्ञान तो आपको अवश्य होगा ही। इस विषय में हमसे कोई प्रश्न न करना नारद। भोलेनाथ नारद यदि प्रश्न ना करें तो जगत के प्राणियों को उत्तर कौन देगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भले ही आपने आंखें बंद कर ली हो किंतु जो घटित होने वाला है वो टल तो नहीं सकता। नारायण नारायण। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। आज देवताओं के राजा इंद्र को हम पराजित करके ही रहेंगे। आज तक केवल देवता ही स्वर्ग की सुख संपदा का उपभोग करते आए हैं और असुर उससे वंचित रहे हैं। असुरों को भी हम स्वर्ग की सुख संपदा प्राप्त कराएंगे। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। दैत्यराज महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की जय। आक्रमण। अधिकार शक्तिवान का होता है। हम दोनों शक्तिशाली हैं और हमें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि हम अमर हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। शुंभ निशुंभ, लगता है आज तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। ये तू नहीं, तेरा अभिमान बोल रहा है। मैं तेरा ये अभिमान चूर चूर कर देता हूँ। Ah!
भाग गया, देवताओं का राजा भाग गया, दुर्बल कहीं का। महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की, महाशक्तिशाली शुंभ निशुंभ की, हम स्वर्ग विजेता है। स्वर्ग की सब सुख संपदा अब हमारे अधीन है। देवते जाति जो स्वर्ग के सुख से वंचित थी अब स्वर्ग निवासी होगी। देवता हमारे सेवक होंगे, देवता हमारे चरण छुएंगे।